एबीपीएस न्यूज सच का साथी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव के साथ साथ दर्जनों प्रधान धरना स्थल पर मौजूद रहे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से अपील की कि 73वें संविधान संशोधन में जो अधिकार प्रधानों को दिए गए हैं वो सब उन्हें वापस किए जाएं ताकि गाँव का विकास कराने में ग्राम प्रधानों को आसानी रहे। ग्राम प्रधान संगठन की मांग है कि सरकार द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी भी समय से न मिल पाने के कारण मजदूरों में भी प्रधान के प्रति काफी रोष व्याप्त है जिसको लेकर प्रधान खासे परेशान है। इन सभी समस्याओं का हल जब तक नहीं होगा धरना जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज। मैं हूं अरमान मलिक। इस वक्त इको गार्डन में मैं यहां पर मौजूद हूं। हमारे साथ राम सेवक जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संगठन प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, यहां हमारे साथ मौजूद है। लगातार 24 सितंबर से लगातार धरना दे रहे हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी मांगे हैं और लगातार अभी भी आज लमसम आपका दूसरा दिन है, तीसरा दिन है आपका, लगातार आप धरना दे रहे हैं। आपसे उच्च अधिकारी मिलने आए, क्या आश्वासन दिया गया और किन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं? हमारी बस एक मांग बची है, दो मांग, कि 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था जिसके तहत 29 विभाग पंचायतों को दिए गए थे, गणराज्य का दर्जा दिया गया था, मुख्यमंत्री जैसा अधिकार दिया गया था और तीन सरकारें बनाई गई थी, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और गांव की सरकार। गांव की सरकार का जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो गांव की सरकार जैसा अधिकार हमें दे दिया जाए, 29 विभाग हमें दे दिया जाए, गणराज्य का दर्जा दे दिया जाए, गांव के मुख्यमंत्री जैसा अधिकार हमें दे दिया जाए। एक मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो प्रधानों का उत्पीड़न अनायास हो रहा है अधिकारियों के द्वारा, इस समय लूट मची हुई है, अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है और केवल जांच करता है, केवल प्रधानों का शोषण करने के लिए केवल जांच की जाती है। ये शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन निश्चित काल तक चलेगा हमारा, जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी। आप धरने पे बैठे उच्च अधिकारी या कोई भी आके आपको क्या आश्वासन दिया? अभी तक तो कल से जब से बैठे हैं अब से तक तो कोई अधिकारी नहीं आए हैं हमसे मिलने। परसों हमने ज्ञापन जो दिया था 24 सितंबर को ज्ञापन गया। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।